1,20,000 रुपए लेकर वो फरार हो गया। मामला आगरा का बताया जा रहा है, जहां एक किन्नर को झूठी शादी करके 10 साल से एक साथ रहकर जीवन यापन कर रहे थे। युवक राजस्थान का निवासी बताया जा रहा है, जो पिछले कई वर्षों तक इस किन्नर के साथ रह रहा था। आज अचानक सहारा बनकर रहने वाला युवक ही बेसहारा करके भाग गया। आइए देखते हैं इस किन्नर की कहानी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोनी किन्नर है। और मेरा मान जो कुछ कमाया जो सारा मेरे ले गया, हमें उसके घर जाते तो मुझे मार के भगाते हैं। रखेंगे तुझे आगे यहाँ से, ये तेरा कौन है यहाँ? ये फोटो आप हाथ में दिखा रहे हैं, ये इस लड़के ने साथ शादी की? हाँ, इस लड़के ने साथ में शादी की। इसी का नाम उदय सिंह है। अच्छा, इसी का नाम उदय सिंह है। इसके पिताजी का नाम है। तो आप समस्या क्या है, आप ये रख नहीं रहे? आपको मुझे रखते नहीं, मुझे मारने की धमकी देते हैं सारे लोग। चाहे यहाँ पे आगे तुझे मरवा देंगे, गुजरों का गांव है, तुझे मरवा कर डलवा देंगे, मर्डर कर देंगे। तेरा यहाँ पे आएगी तो कुल्हाड़ी से काट देंगे, तेरी आत्महत्या कर देंगे। यहाँ पे आई तो कभी मत आना यहाँ पे, तेरा कौन है यहाँ? अब ये लोग ऐसे बोलते हैं। सोनी किन्नर। अच्छा, गांव कौन सा आपका? ये मेरे कुंडल के पास है, श्याम नगर। अच्छा अच्छा, क्या प्रॉब्लम है आपकी, समस्या क्या आपकी? समस्या ये है कि मेरे साथ 10 साल से लड़का रहता था, और ये बोल रहा था कि आप मुझे रोटी में रख लो। अच्छा हाँ, और फिर मैंने कहा कि मैं क्या करूँ, मैं तो किन्नर हूँ, मैं क्या करूँ तेरे उसको रख के? किन्नर ना, मैं तो तुम्हारे पास ही रहूँगा। मेरा माँ ना, बहन ना, भाई कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ। अच्छा, मैं लावारिस लड़का हूँ, और मेरे साथ बोला था कि आपके साथ रह के मैं शादी करूँगा आपको। मैंने कहा मेरे साथ शादी करके क्या करोगे आप? मैं कब बच्चे थोड़ी बनेंगे, मैं तो किन्नर हूँ, बच्चा थोड़ी होंगे मेरे। तुझे बोला था कि नहीं, मैं तो अनाथ शाला से बच्चा ले आऊँगा, ज़रूरी नहीं तो मुझे बच्चा बनाने के, मैं तो तेरे साथ ही जीवन काटूँगा, चलो अपने मंदिर में शादी कर लें। फिर मुझे ले गया मंदिर में, जाके शादी कर ली उसने मेरे साथ। अकेली थी मैं, वही लड़का अकेला था। क्या नाम था उस लड़के का? उदय सिंह। कहाँ का रहने वाला है वो? ये चोर बसेड़ी रूपबास के पास। चोर बसेड़ी रूपबास। ये रूपबास कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है फतेहपुर से आगे। अच्छा, फतेहपुर राजस्थान में पड़ता है? राजस्थान में। अच्छा, राजस्थान का बंदा, वो आपके से यहाँ करके उसने मतलब शादी कर ली? हाँ, शादी की थी आपसे? शादी क्या, मेरे जमाल डाल दी थी मेरे मंदिर में। आप तो किन्नर हैं, किन्नरों की कहाँ शादियाँ होती हैं? पता नहीं, मैंने बहुत मना करी थी मैं शादी नहीं करूँगी, मैं तो किन्नर हूँ, मैं शादी लायक नहीं हूँ, मेरे बच्चे नहीं होंगे। मुझे बस फिर भी बोला, फिर बोला कि मैं अनाथशाला से बच्चे ले आऊँगा, जरूरी है कि मैं शादी तेरे बच्चे ने हुआ। फिर मुझसे मोहब्बत करने लगा, फिर तो मरना दिखाने लगा, मर जाऊँगा मैं, ये कर दूँगा, बस तेरे साथ ही रहूँगा, तेरे साथ शादी करूँगा, कभी जीवन में घर नहीं जाऊँगा मैं, मेरा कोई है नहीं, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं तो तेरे साथ ही जीवन काटूँगा। फिर मैंने मना कर बाबू नहीं, फिर भी रहने लगा। रहने के बाद में फिर मैं सोचने लगी कि रहने लगा बाबू क्या करूँ, फिर मैं रहने लगा मेरे पास। तो प्रॉब्लम क्या है फिर, उसने क्या मतलब उससे? अब वो यहाँ 8-10 साल से रहने लगा, पूरा धनी मालिक बन के रहा था मेरा, कि तेरा मैं पति हूँ, तू मेरी पत्नी है, जितनी कमाई आएगी मुझे मुझे खिलाना, मुझे देना, तो मैं उसको देती रही। मेरे पास कोई खाता नहीं है, मेरे पास कोई पैसा जमा नहीं है, उसी के पास सारे पैसे रहते थे, क्योंकि मैं कहती थी कि मेरे घर में जो प्रोग्राम है उसके घर जाती थी मैं, साथ लुगाई बना बना के मुझे बहू बना बना के घर पे ले गया था। सबको पता था कि इसने किन्नर कर ली है, फिर भी मैंने कहा था कि मैं नहीं करूँगी। तो फिर वह घर वालों के साथ बोलेगा नहीं, घर वाले बोले कि नहीं बेटा बनी रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बच्चे की जरूरत नहीं, हमारे 4 बच्चे हैं, 4 लड़के हमारे, तो 4 लड़कों के साथ और 3 लड़कों की तो औलाद चलेगी, हमारी नहीं पसंद चलेगी, तुम्हारा नाम तो चलेगा, एक शादी नहीं करे तो क्या होगा, तो बनी रहे। तो मैं उनके घर जाने आने लगी, घर पे जाते जा करके मैं रहने लगी, तो उसके रिश्तेदारियों में ले लेके जाता था, तो उनकी माँ मुझसे बहू कहती थी, उसका पिताजी मुझसे बहू कहते थे, उसकी बहन मुझसे भाभी कह रही हैं, उसके भाई मुझसे बहू कह रहे हैं। नहीं तो प्रॉब्लम क्या है आपके साथ, क्या उसने अन्याय किया है? क्या अन्याय किया? अन्याय नहीं किया था तो फिर क्या किया है? पैसे ऐसे सारे लेके चला गया, अभी 1,20,000 रुपये मेरे बोला था, 1,20,000 मुझे दे दे, मेरे पिताजी बीमार पड़े हैं। अच्छा, कितने रुपए ले गए? अभी मुझसे ले गया था 25 तारीख को, अगली 25 तारीख को 1,20,000 रुपये। 1,20,000 रुपये आपसे ले गया? हाँ, अभी ले गया। तो आपने इसकी किसी अधिकारी से सूचना की है? करी थी, लेकिन किसी ने भी सुनाई नहीं की थी, मैं वकील के पास भी गई थी।
उधर भी गई थी मैं, कहा मोल पकड़ लिया, उनके पास गई थी, लेकिन अच्छा, उन्होंने मेरी कोई सुनाई नहीं की थी। फिर मैं चल, फिर क्या करती, मैं सिद्धि साजी जने सिद्धि साजी किन्नर हूँ मैं। अगर मैं भोली वाली ना होती, आठ दस साल की मेरी कमाई खा के चला गया। अब कहता कि मैं शादी करूँगा, जब जब मैंने मैंने करके तुम बाप, और 1.5 किलो चांदी थी और 3 तोले सोना था। उसकी माँ के लिए मैं तरह के कानों के लिए बनवा के दी थी, अंगूठी दिलवाई थी मैंने। अच्छा,